स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ कृति वाली और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डीप यू हेयर कट, लॉन्ग टू शॉर्ट डीप यू हेयर कट किस तरीके से किया है, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा, ओके। और कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से समझा पाऊँ और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो के अपडेट मेरे प्यारे दोस्तों को सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हेयर जो कि फ्लोर पे गिरे हुए हैं। मेरे व्यूवर्स की डिमांड होती है कि मैम आप जब भी कटिंग करते हो तो जितने भी हेयर कट होकर फ्लोर पे गिरते हैं उसको वीडियो में शो कीजिए, इसलिए मैं इसको शो कर देती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है मेरी कस्टमर जिनको सबसे पहले आपको कटिंग शीट लगाना है और बालों को गीला करना है और अच्छे से सुलझाना है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, गीला इसलिए करते हैं क्योंकि गीला करने से बालों की कटिंग परफेक्ट होती है। जब आपके बाल सूख जाते हैं तो बहुत ही अच्छी कटिंग और फिनिशिंग दिखता है, इसलिए बालों को गीला करने के बाद ही कटिंग करना है। तो जब आपके बाल अच्छे से सुलझ जाएँ, और हाँ जब आपके जिद्दी उलझे हुए बाल होते हैं तो वो भी गीला करने से आसानी से सुलझ जाता है, आपको सुलझाने में हेल्प मिलती है, इसलिए बालों को गीला करके ही कटिंग स्टार्ट कीजिए। तो जब आपके बाल अच्छे से गीले हो जाएँ तो आपको बालों की मिडिल पार्टिंग करनी, यानी कि बीच की मांग निकाल लेनी है। बीच की मांग निकालने से आपकी बालों की कटिंग परफेक्ट होती है। जब भी बाल आप अगर तिरछी मांग भी करते हो तो आपके बाल ऊपर नीचे नहीं होते हैं और परफेक्ट इक्वल दिखते हैं, इसलिए बीच की मांग निकालनी जरूरी होती है बालों में। तो अच्छे से सुलझा लेंगे और बीच की मांग निकालने के बाद से दोबारा से बालों को अच्छे से सुलझाएंगे, उसके बाद से कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो किस तरीके से कटिंग करनी है आप वीडियो में देखिए, वीडियो एंड तक जरूर देखिए फाइनल लुक देखने के लिए, ओके। तो ये हो गया। सबसे पहले हमको यहाँ इनके शोल्डर लेंथ से ही कटिंग स्टार्ट करनी है, शोल्डर से ही मतलब यू डीप यू करना है। तो शोल्डर लेंथ से हम लोग इस तरीके से थोड़े थोड़े बालों को लेंगे फ्रंट से और इस तरीके से कट कर देंगे। आप देख सकते हो कितना शॉर्ट हो गया। अब इसको बस डीप यू कर देना है, इतनी लेंथ निकल गई। और इसको अब नीचे की लेंथ कट करेंगे। ये हमारा गाइडलाइन मिल गया ऊपर का, दोनों साइड सेम आएगा। इस तरीके से आप कट करते हो तो यू कट करते टाइम ऊपर का शेप एकदम सेम आता है, इक्वल आता है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ से मैं कटिंग स्टार्ट करूँगी, आपको ऊपर का गाइडलाइन दिख रहा होगा। अब नीचे से कैसे कट करना है वो आप देख लीजिए। इतना हेयर कट कर देंगे थोड़ा और ऊपर से, यहाँ से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लेंथ इनका कट हुआ है, ओके। तो इस तरीके से आपको कट करते हुए ऊपर जो हमने शोल्डर लेंथ पे कट किया था वहाँ तक ले जाके मिला देना। आप इसको वी शेप भी बोल सकते हो, लेकिन डीप यू इन्होंने कहा था तो डीप यू है ये। वी शेप के लिए थोड़ा सा और तिरछा करना पड़ता है कैंची, और यू शेप में थोड़ा सा गोल आकार में कट कर देते हैं, ओके। इधर से भी सेम उसी प्रोसेस में आपको मिला देना ऊपर तक कट करते हुए। तो आपने देखा एक ही बार में कितना अच्छा फिनिशिंग से कट आ गया। अब आपको जो एक्स्ट्रा लग रहा हो उसको आप कट कर दीजिए थोड़ा थोड़ा हेयर लेके, ओके। तो ये आप देख सकते हो कितना शॉर्ट हो गया, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये हेयर कट हो गया, ये हेयर इनका फाइनल लुक भी मैं अभी दिखा देती हूँ। और ये हम फ्लोर पे गिरे हुए हेयर्स देखिए कितना ज़्यादा हेयर कट हुआ है, आपको आई होप दिख रहा होगा। इस वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा भी अच्छा से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कितना प्यारा कट आया है ना, ज़रूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ओके। तो ये है इनका फाइनल लुक, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और भी लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग मुझे ज्वाइन कर पाएँ और अच्छे से सीख पाएँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, और अच्छे से समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो कर देना यार। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है। बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।